यहाँ पे मैं स्पाइडी के साथ आज वापस आया हूँ, और आफ्टर लॉन्ग टाइम आई ओपनिंग दिस आईडी एंड यार स्टिल बहुत दिनों बाद, यार बहुत दिनों बाद। और यहाँ पे देखो एक बार, 16-16 लाख पड़े हुए हैं कार्ट में, और यहाँ पे 48-49 लैक्स, भाई अब क्या बोलूँ। और इसको यार 9 पे डालना नहीं है, बिकॉज ये मेरे ब्रदर का अकाउंट है जो नहीं डालना चाहता है इसको 9 पे, सो कोई दिक्कत नहीं। तो यार आज हम पुशिंग करेंगे, और लीक देख सकते हो भाई, काफ़ी दिनों बाद आया हूँ सो बहुत नीचे आ चुकी है, और पुश करेंगे आज। देखते हैं, दो अटैक यूज़ करेंगे, पहला करेंगे गो वाइप, और इसमें दो बलून्स क्यों यूज़ किया है मेरे को भी नहीं पता, मैंने दो बलून्स क्यों यूज़ किए मुझे भी नहीं पता, बट लेके जा रहा हूँ। और सेकेंड अटैक है गो हो, तो यार ये गो हो मैं 20 हॉग्स वाला कर रहा हूँ, और विदाउट सीसी ट्राई करेंगे आज गो हो को, बिकॉज सीसी में एक्स्ट्रा हॉग्स रहते, स्टिल हॉग अटैक्स टीएचएट पे बहुत ही ज़्यादा ओपी चल रहे, सो विदाउट सीसी जाएंगे अपन सेकेंड अटैक में, सो लेट्स गो। और देखते हैं यार अभी कितनी पुशिंग मिलती है मैक्सिमम, यहाँ पे 17 ट्रॉफीज नहीं चाहिए, लगभग 30 ट्रॉफीज का पुश चाहिए, 30 ट्रॉफीज का पुश, 27 इच्छा तो हो रही है, बट नहीं 32, हाँ, तो चलो यार फर्स्ट पुश कर लेते हैं, और गो वाइप यूज़ कर रहा हूँ सो थोड़ा सा फोकस डाल दूँ बस अटैक में, और यहाँ से एक गोलम यहाँ से, ओके टू साइडेड गो वाइप करूँगा यहाँ से जाऊँगा मैं 7 o'clock से, और इसका बीके भी टेक हो जाएगा यहाँ से, चलो कोई दिक्कत नहीं। टू साइडेड गो वाइप, यहाँ पे गए दो गोलम, यहाँ पे विस के साथ फनल, ओके नाइस, थोड़ा सा वेट करना है, दो वॉल ब्रेकर, 3 वॉल ब्रेकर, टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसका बीके है यार, बीके टेक नहीं हुआ, कोई नहीं आगे जाके टेक हो जाएगा बीके भी उसका। यहाँ पे गया मेरा बीके, और यहाँ पे थोड़ा सा और विजार्ड रीच कर रहा हूँ मैं, और डब्ल्यू बी को जल्दी, वॉल ब्रेकर्स यार अंदर की लेयर फोड़नी थी, जा रहे नहीं फोड़ पाए यार, फर्स्ट नहीं फोड़ पाए वो लेयर, नहीं फोड़ पाए, कोई नहीं, जस्ट चिल। यहाँ पे एक हील, और शायद ये अटैक फंस रहा है या फंस चुका है, देखेंगे। एक बलून ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, और सेकंड हील भी यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, और एक बलून और होल्ड करके रखा है, मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ एक बलून को, देखेंगे अभी। वो एक एयर डिफेंस वहाँ पे बाकी है जो परेशान कर सकता है, और स्टिल इतना वेट नहीं करना है, यहाँ से छोड़ रहा हूँ लून जिसके कारण वो एक कैनन टेक हो जाए, और विज भी डाइवर्टेड है थोड़ा सा, बस पकड़ ना ले मेरे बलून को, नहीं, एक कैनन डाउन कर दे बलून, कम ऑन, ओहो क्या बात है भाई, सही है, और शायद ये ट्रिपल है, अभी भी ट्रिपल है, बिकॉज मेरे पेका बाकी है, जब तक पेका बाकी है गो वाइप में लास्ट तक भाई पेका टिक जाते हैं ना तो भी ट्रिपल हो जाता है, और लगभग मैंने सारा क्लीनअप कर दिया था, थोड़ी लूनिंग में प्रॉब्लम गई, और आफ्टर लॉन्ग टाइम भाई ये आर्मी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया TH8 पे यूज़ कर रहा हूँ, तो स्टिल आई थिंक सो भाई पेका को देखो यार, है एक है, तो आई थिंक सो यार ये बहुत देर बाद भी यूज़ कर रहा हूँ, सो हीलिंग स्पेल मैंने बराबर नहीं दिए, हीलिंग स्पेल में थोड़ी दिक्कत गई, कोई नहीं कुछ भी हो, 3 तो हो गया। सो पहला पुश मिल चुका है 32 ट्रॉफीज़ का, यहाँ पे एक हिल पॉइजन ड्रॉप कर दिया मैंने, बिकॉज फिर सेकंड आर्मी में वो दिक्कत होती है, सो रिमूव तो करना ही पड़ता है, सो कोई नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो मैं मेरा बीके को ये कर देता हूँ, कहाँ गया, बूस्ट कर देता हूँ, थोड़ी देर में मिलते हैं हम बीके को होने के बाद में, और थर्ड अटैक भी कर लेंगे, चलो गोवा हो करेंगे अपन थर्ड अटैक, आफ्टर लॉन्ग टाइम गोवा हो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, सॉरी गोवा हो करने वाले हैं, और अभी जो आपने देखा गो हो वो मैं कर चुका हूँ, अगेन मेरे यार रिकॉर्डिंग के साथ यहाँ पे सीन हो गया बहुत बड़ा, ये देख सकते हो अभी गो वाइप जो आपको दिखाया, और अभी गो हो मैं अभी अटैक करके आया जस्ट, और 31 ट्रॉफीज़ का पुश लिया यहाँ पे, और रिकॉर्ड भी कर चुका था, कमेंट्री भी हो चुकी थी, बट स्टिल
अगेन सीन हो गया यार रिकॉर्डिंग के साथ में, कोई दिक्कत नहीं। सो अभी लास्ट अटैक हम करेंगे कोवा हो के साथ में, और ये भी वन ऑफ द मोस्ट ओपी स्ट्रेटेजी है। और मेरे को यहाँ पे थोड़े से अर्थक्वेक लगेगा, अर्थक्वेक और वल्कीरीज लगेंगे सीसी में, बिकॉज ये जो स्ट्रेटेजी यार, ये इसमें क्या करना है आपको, चार अर्थक्वेक के साथ में कोर को डिस्ट्रॉय करना है, वल्कीरीज गोरम को कोर तक लेके जाना है, और जो पीछे से बैकअप रहेगा वो रहेगा हॉक्स का। सो आई थिंक सो क्लैन मिल चुकी है। हेलो, मुझे नहीं पता ये कौन सी क्लैन है, बट मेरे को थोड़ा सा डोनेशन लगेगा, सो मैं डोनेशन के लिए आया हूँ। ओके ओके ओके, नीड बल्ब एंड EQ, ठीक है। सो थोड़ा वेट करते हैं, बंदे किक ना कर दे हो पर बोल के बस, बिकॉज वैसे भी मैं वॉर में तो हूँ नहीं कोई। सो आई एम इन कर देता हूँ सबसे अच्छा, वेट करते थोड़ा। अरे भाई रॉन्ग डोनेशन कर दिया यार। सो गाइस ओके, और अभी मैं रेडी हूँ, सो चलो चलते हैं। और इस बार की यार सबसे अच्छी पुशिंग हम ट्राई करेंगे, लास्ट अटैक है। गो हो स्टिल मैं दिखा नहीं पाया तो सॉरी उसके लिए, और गो हो में ओके। सो यहाँ पे हम जाएंगे, 32 ट्रॉफीज का अगेन पुश मिल रहा है, और ये मैं ट्राई करूँगा इसको भी 3 स्टार करने की पूरी तरीके से। और देखते इसका BK कहाँ पे है, इसका BK बाहर है ही नहीं, BK सही है। ओके ओके, CC, इसके CC में कुछ ना हो भाई बस, ठीक है। सो मैं यहाँ से जाऊँगा, पहले कोर को डिस्ट्रॉय कर दूँ। दो गोलेम विजार्ड के साथ फनलिंग, और थोड़ा सा वेट करना है बस। एक विजार्ड यहाँ पे, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, इसी के साथ वल्केरी स्कोर में जाती हुई। हील 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 नहीं लगेगा। यहाँ पे एक ये, यहाँ पे थोड़े हॉग्स, यहाँ पे थोड़े हॉग्स, यहाँ पे थोड़े हॉग्स, यहाँ पे थोड़े हॉग्स। वन ऑफ द मोस्ट ओपी स्ट्रेटेजी आ रही है, वन ऑफ द मोस्ट ओपी स्ट्रेटेजी TH8 की गोवा हो। हालांकि इसके CC में कुछ था नहीं तो, और इजी पड़ गया। मेरा ध्यान नहीं भाई, BK चला गया, मेरा ध्यान नहीं BK की तरफ, मेरा ध्यान नहीं था BK की तरफ, मेरा ध्यान नहीं था, BK मेरा मर गया बेचारा। कोई नहीं, तो भी यार 3 कर दिया है, मेरा बारबेरियन किंग मर गया बेचारा, मेरा ध्यान नहीं था, मैं कमेंट्री के चक्कर में मैंने बारबेरियन किंग को पॉपअप करना ही भूल गया। बट कोई नहीं, स्टिल यहाँ पे 32 ट्रॉफीज का हमने पुश कर लिया है, और तगड़े अटैक किए भाई, तीनों के तीनों अटैक में अच्छा खासा पुश मिल गया। और मुझे आप बताओ भाई, आपको कौन सा अटैक सबसे अच्छा लगा, हालांकि मैं गो हो नहीं दिखा पाया, और चलो अभी दिखा देता हूँ। वैसे गो हो यार बहुत रश बेस पे था वो अटैक, बहुत ही रश बेस था, बट क्या कर सकते, जहाँ पे पुश मिल रहा था वहाँ पे मैंने कर दिया। सो अभी आपको गो हो भी दिखा देता हूँ, वो वाला जो मिस हो गया था। सो लेट्स गो, और यहाँ पे अगेन 32 ट्रॉफीज का पुश कर दिया, ठीक है। सो ये देखो भाई, ये रहा गो हो, पहला गो वाइप गो हो और अभी गोवा हो किया। सो गो हो को दिखा देता हूँ आपको, ये देखो भाई यहाँ पे, और 32 ट्रॉफीज का इधर साइड से भी पुश मिल रहा था, सो इसके ऊपर मैंने कर दिया अटैक, और ये था इसका BK यहाँ पे, सो इसलिए यहाँ से गया मैं। दो गोले में एक ही जगह छोड़ दिए थे, बिकॉज यहाँ पे ऐसे स्प्रेड करके छोड़ता तो स्वीपर पे डाइवर्ट हो जाता। फिर यहाँ पे वॉल ब्रेकर्स के साथ पहली वॉल ब्रेक, एक BK के ऊपर पड़ा पॉइजन, थोड़ा TH9 का एक्सपीरियंस है, सो कभी कभी दे देता हूँ BK के ऊपर पॉइजन, अब क्या कर सकते। और CC को मैं कुछ था या नहीं था उसको देखने के लिए यहाँ पे एक हॉक छोड़ा था शायद, हाँ एक हॉक छोड़ा था CC में चेक करने के लिए, कुछ नहीं था। फिर बाद में तो पता ही है यार क्या करना है, यहाँ से हॉक्स छोड़ दिए बंच में, और एक हिल पड़ा यहाँ पे, और उसके बाद फिर दो हिल मैंने, और दो हिल और एक जो अपना पॉइजन था उसको फेंक डाला, और बस फिर ये भी 3 स्टार। सो गाइस आई होप आपको पसंद आया होगा आज जो हमने पुशिंग की यहाँ पे थोड़ी सी, और ऐसे यार
अमेजिंग व्यूज के लिए देखते रहो मेरा चैनल और सब्सक्राइब कर देना जो भी लोग न्यू है चैनल पे। सो बाय बाय एंड टेक केयर।